हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CPS ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th के फोर्थ चैप्टर, जो फोर्थ न्यू चैप्टर पे वर्क करने शुरू कर रहे हैं हम लोग। और आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और यहाँ से क्वेश्चन जो है अच्छे से आपको कम से कम तीन से चार नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं स्टूडेंट। तो आप लोग इसको सावधानी से अच्छे से एक एक पॉइंट इसको कवर करिएगा। कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए, और आप अपने वीडियो को देखते समय रेजोल्यूशन को भी सेट कर सकते हैं अगर आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम लगे तो। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ का मतलब होता है कि जो फिजिकली फिट होना या मेंटली फिट होना या उसका सोशली फिट होना ही क्या है, वो हेल्थ है, जो WHO के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। तो सिंपल मीनिंग समझिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव एज में, रिप्रोडक्टिव एज का मतलब मेच्योरिटी में, रिप्रोडक्टिव एज में फिट होना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। तो फिट इन रिप्रोडक्टिव एज, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब वो फिट कैसे रहेंगे? तो रिप्रोडक्टिव एज जो भी एज है अप्रोक्सीमेटली फीमेल के लिए जो मेच्योरिटी का एज कंसिडर करते हैं वो 13-14 से लेकर के, ठीक है, और मेल में जो कंसिडर करते हैं उसका जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी होती है वो 14-15 से लेकर के आगे तक रहती है। तो स्टूडेंट इसमें समझना ये है हम कि रिप्रोडक्टिव एज में फिट रहना है तो किस तरीके से WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन बनाई है। तो अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल, मतलब पूरा। क्या है टोटल भाई? वेल बीइंग, टोटल वेल बीइंग, आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ या हेल्थ का यही मतलब है कि आप टोटल वेल बीइंग, आप बिल्कुल आप अच्छे रहेंगे। अब वो किस किस सेक्टर में अच्छे रहेंगे? इन ऑल एस्पेक्ट, जितने भी एस्पेक्ट हैं रिप्रोडक्शन के। अगर ये प्रोडक्टिव हेल्थ है तो रिप्रोडक्शन के जितने भी एस्पेक्ट हैं, रिप्रोडक्शन के जितने भी एस्पेक्ट हैं उस हिसाब से आप वेल रहेंगे, टोटली वेल रहेंगे। अब रिप्रोडक्शन के कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? तो फिजिकल एस्पेक्ट हैं, इमोशनल एस्पेक्ट हैं, बिहेवियर एंड सोशल। मतलब सोशल, बिहेवियर, इमोशनल और फिजिकली फिट रहना ही क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। और ये रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, यहाँ अगर रिप्रोडक्शन टर्म अगर हटा देंगे तो ये हेल्थ की भी डेफिनेशन हो जाएगी, सिंपल। तो WHO कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एज में फिट रहना, और रिप्रोडक्टिव एज में फिट रहने के लिए वो फिजिकली फिटनेस, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल फिटनेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की में क्या प्रॉब्लम आई है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या स्ट्रेटजी है, गवर्नमेंट की क्या प्रोग्रामिंग हुई है, इस पे हम लोग बात करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो अगला टॉपिक इस चैप्टर में डील करेंगे, इस टॉपिक से ही इस चीज़ की शुरुआत करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। सो प्रॉब्लम और स्ट्रेटजी पर बात कर रहे हैं कि इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट टू द प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग। आपको मैं बता दूं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है स्टूडेंट? कि जो फैमिली हो वो वेल प्लान होनी चाहिए, बच्चे की जो बर्थ रेट है उस पर कंट्रोल किया जाए, बच्चे जो भी हो, एक बच्चे या दो बच्चे जो भी हैं उनको पूरी परवरिश मिले, उनको पूरा एक अच्छे से केयर मिले, उनके सारे एस्पेक्ट पूरे किए जाएं, तो उस हिसाब से ही बच्चे की जन्म दर को रखा जाए। ज़्यादा बच्चे की जन्म दर हो गई, मतलब जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनकी हर एक तरीके के एस्पेक्ट को पूरा करने में पेरेंट्स या फैमिली को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने सबसे पहले एक प्रोग्राम डेवलप किया 1951 में कि फैमिली प्लानिंग की जाए, मतलब हर पेरेंट्स एक फैमिली प्लानिंग करे कि उसके पास जो है जो बच्चे हैं वो कितने हों, जिसकी वो परवरिश कर सके, जिसको वो अच्छा एजुकेशन दे सके, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे सके, डिसिप्लिन दे सके, उसके हर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए फैमिली प्लानिंग की जाए। ठीक है, तो ये हेल्थ, तो उससे क्या होगा कि अच्छा ज़्यादा
बर्थ रेट होगी, तो उससे भी क्या होगा कि एक नई प्रॉब्लम, नई इश्यूज क्रिएट होगी कि भाई पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो खाने के लिए, रहने के लिए, भविष्य में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, साथ साथ और बहुत सारे जो मैटरनल केस होते हैं, मैटरनिटी होती है, जो फीमेल डेथ होती है, तो ये सब भी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी बनाई गई है, प्रॉब्लम जो आई उसकी कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग। तो वो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग 1951 में इंडिया ने किया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी फॉर्म अ क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इस सोसाइटी में एक अच्छा पार्ट एक बन के आई, ताकि लोग स्वस्थ रहें, उनका स्वास्थ्य पे ध्यान दें, उनके खान पान पे ध्यान दें, उनके हर एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखना है कि इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलेशन नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे इंडिया के बाद क्या हुआ है, इस प्रोग्राम को और इम्प्रूव किया गया और हर जगह भेजा, मतलब सब मतलब हर जगह स्प्रेड हो गया, फैल गया ये, ठीक है। रिप्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी ये करेंटली ऑपरेशन चलाए गए, ठीक है, उसमें इसका नाम बाद में क्या रखा गया कि फैमिली प्लानिंग तो इंडिया ने दिया था, बाद में इसका नाम हुआ, एक पॉपुलर नेम से फेमस हुआ यही चीज़, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH नाम से ये प्रोग्रामिंग इम्प्रूव हुई, डेवलप हुई या मॉडिफाइड हुई, ठीक है। आगे चल के हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग पीपल, किसी भी बच्चे का, यंग पीपल यानी बच्चे के लिए उसके हेल्थ और एजुकेशन एंड मैरिज, और उसके मैरिज के लिए एंड चाइल्ड बियरिंग ड्यूरिंग मोर मेच्योर स्टेज ऑफ लाइफ आर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो कम एज में शादी वगैरह का होना, शादी का होना, तो दैट मीन्स कि अगर एक मेच्योर एज में अगर मैरिज होती है तो उसके जो बच्चे होंगे उसके जो बॉडी डेवलपमेंट है, जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है, उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। साथ साथ अर्ली मैरिज से एक ये ड्रॉबैक होती है कि बच्चे के जल्दी हो जाते हैं, तो उसमें मदर बॉडी को भी प्रॉब्लम होती है और फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो पूरी तरीके से रुक जाती है, तो ये कई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया कि हेल्थ एजुकेशन, बच्चे का एजुकेशन, बच्चे का हेल्थ, उसकी मैरिज, ये सब सारी चीज़ें जो भी हैं, सारे आस्पेक्ट जो हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसका सोसाइटी पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जो है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने ये सारी प्रॉब्लम देखी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ ऐसे पैमाने बना दिए कुछ अवेयरनेस के लिए, ताकि लोग अवेयर हों, ठीक है, तो इन चीज़ों को समझें कि जो भी डिजीज़ हो रही है मैटरनल लेवल पे, जो भी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, जो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट या खाने पीने की जो भी समस्या आ रही है, इसको सब कुछ ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाई है। वो क्या प्लान है, मेज़र टेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाया है, गवर्नमेंट ने कुछ बातें बताई हैं लोगों को। पहले क्या किया कि पहले तो उसने देखा कि भाई सबको बताओ, अवेयर करो, समझाओ हर एक चीज़ के बारे में, पर वही है जब समझ जाए लोग, क्या थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, मतलब ऑडियो विजुअल के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट ने इसका एडवर्टाइज करना शुरू किया। आपने देखा होगा बहुत सारे अभियान चलाएंगे, हाँ, छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे दो ही अच्छे, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो है अभियान बनाए गए हैं जिसमें लोगों को ये समझ में आया कि दैट मीन्स कि हमें फैमिली को प्लानट करना है, हमें फैमिली प्लानिंग करनी है और उसको प्लान फैमिली चलानी है, और ज़्यादा बच्चे नहीं रखने हैं, ठीक है, उतने ही बच्चे जिनकी परवरिश अच्छे से हो सके, ठीक है। तो इवन फैमिली मेंबर क्लोज रिलेशन आर इन्वॉल्व इन अवेयरनेस, और उसमें आपके साथ साथ जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबको इससे अवेयर करना, ये भी गवर्नमेंट ने चलाया कि सारे सबको बताइए, खुद जानिए और लोगों को भी बताइए। सेक्स एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन स्कूल टू प्रोवाइड अवेयरनेस, जो ये जो सेक्सुअल एजुकेशन है, जो सेक्स रिगार्डिंग एजुकेशन है, इसके बारे में स्कूल में ये अवेयरनेस बताई। अब स्कूल में या आप डॉक्टर से विजिट करेंगे या स्कूल में आप टीचर सब्जेक्ट टीचर से विजिट करेंगे, तो इस पर आपको फैमिली प्लानिंग वाले पॉइंट पर आपको बिल्कुल अवेयर करेगा। ये भी स्कूल में इस पॉइंट को ऐड कर दिया गया सिलेबस में कि भाई आप अवेयरनेस को बताइए, ये
फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को अवेयर करिए, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। पहले सब एजुकेशन दिया गया, ठीक है, एजुकेशन दिया गया तो एजुकेशन से लोगों को रोका गया, ठीक है, फिर भी अगर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, एडवर्टाइज किए, रिवोल्यूशन लाया, एडवर्टाइज किए, नहीं इम्पैक्ट पड़ा, फिर एजुकेशन देना शुरू किए, फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, फिर इसके बाद क्या किए कि एजुकेशन देने के बाद थोड़े बहुत चेंजेस आए पर पूरी तरीके से चेंजेस नहीं आए फैमिली प्लानिंग को लेकर के, फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, लॉ बना दिया है इतने एज के पहले मैरिज नहीं कर सकते या इतने बच्चे नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं रह सकते, लॉ बना दिए, ठीक है। और इसके बाद फिर भी देखा कि कानून तोड़ने वाले भी तो नंबर वन है, तो इसके बाद उन्होंने कुछ इंसेंटिव, कुछ ऐसे लालच दे दिया कि अगर एक बच्चे रहेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, बच्चा होगा तो इतने पैसे मिलेंगे, लड़की होगी तो इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर एक ही बच्चा होगा तो मिलेंगे, दूसरे बच्चे पे पैसे नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा इंसेंटिव, बस थोड़े से इस हिसाब से भी लोगों ने क्या किया, फैमिली प्लानिंग को करना शुरू किया। मतलब गवर्नमेंट ने हर वो संभावित कदम उठाया जितना उसके दिमाग में आया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एडोलसेंस रिलेटेड चेंजेस। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एडोलसेंस मतलब उसकी मेच्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए, और उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अबनॉर्मलिटीज आ रही है मेल या फीमेल बॉडी में, वो भी पता होना चाहिए। सेफ रहे, हाइजीन, सेक्सुअल प्रैक्टिस, मतलब हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स जैसे डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिट, बहुत सारे डिजीज वो इंटरकोर्स के ड्यूरिंग वो क्या होते हैं, मेल फीमेल में इन्फेक्टेड होते हैं, और इतना ही नहीं बच्चे को भी इम्पैक्ट कर डालते हैं, जो बच्चे नई जनर जो उनकी जो नई ऑरिजिन होने वाली है उस पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये जो है कुछ प्रोटेक्शन जैसा फैमिली प्लानिंग को लेकर के यहाँ पे बनाया गया है, इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छे से पढ़िए, एक बार एनसीईआरटी में अपने इस पॉइंट को हाईलाइट करके रखिए, ठीक है। दिन में एक से दो बार आप एनसीईआरटी के पॉइंट को जो भी हाईलाइट करते हैं दोहराया करिए, अब नोट्स बनाया करिए, और कोई भी पॉइंट या कोई भी स्क्रिप्ट या वर्ड कोई भी दिक्कत दे रहा हो तो आप ग्रुप में बिल्कुल चैट कर सकते हैं या अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं हम, अब हमारा एक और पॉइंट है यहाँ पर, एमनियोसेंटेसिस, ये एक नया टर्म है हमारे लिए, और आप समझ पा रहे हैं एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, कि होता क्या है कि ये एक टेक्निक है, ठीक है, एक टेक्निक है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जो भी क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी क्रोमोसोम के एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जो मान लीजिए कोई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो उस एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर जा करके उसके क्रोमोसोम में हम चेक करेंगे, उसके जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ है क्या किया जाए, उसको फाइंड आउट किया जाए। उससे क्या होगा कि जो भी नई जनरेशन आएगी वो डिजीज़ फ्री कर सकते हैं, हम अगर ये टेक्निक हमको पता हो तो डिजीज़ फ्री कर सकते हैं, या नई जनरेशन को बिल्कुल सेफ रख सकते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो क्या इट इज़ टेक्निक used to find out the chromosomal abnormality in developing embryo by using amniotic fluid. amniotic fluid का use करके हम developing embryo के अंदर की chromosome में जो abnormality हुई है, जिसकी वजह से उस baby की, उस नई बच्चे के जो भी body में abnormalities देखने को मिलेगी after birth, उससे उसको बचाया जा सकता है। It is also misused to check the fetal sex determination. और यही वो तरीका है जो सेक्स डिटर्मिनेशन का होता है, ठीक है। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो वो तो एबनॉर्मलिटी दूर करने के लिए बनाएगी, पर होना क्या लगा, वही इसके मिसयूज़ करने लगे लोग, कि बताते थे कि इससे सेक्स भी डिटरमाइंड हो जाता था कि वो मेल है कि फीमेल है। तो क्या हो गया कि अभी आपने देखा होगा कि जो इम्ब्रियो डिस्ट्रक्शन, जो भ्रूण हत्या, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा रेट बढ़ने लगा, ठीक है। तो अगर फीमेल होती है तो फिर आज के सोसाइटी में क्या होता है कि उनको अफोर्ड करना मुश्किल होता है, इसलिए क्या करते हैं, एम्ब्रियो डिस्ट्रक्शन, जो मैटरनल वर्क होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके अपने अपने थॉट्स होते हैं जिस बेस पे वो ये इस चीज़ को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल समझिए कि इसका मिसयूज़ करने लगे, इस सेक्स डिटर्मिनेशन आसानी से हो जाता था, वो जेंडर पता चल जाता था, वो कौन मेल फीमेल बेबी कौन है, तो वो क्रोमोसोम पैटर्न से ही पता कर लेते थे एमनियोटिक फ्लड के, ठीक है। एमनियोटिक फ्लड जो सराउंडिंग द डेवलपिंग है, इम्ब्रियो के चारों तरफ ना एक लिक्विड होता है, ठीक है, डेवलपिंग इम्ब्रियो के चारों तरफ एक लिक्विड होता है, एक फ्लूड होता है, उसको हम लोग एमनियोटिक फ्लड कहते हैं। तो ठीक है, एमनियोटिक फ्लड,
उस एमनियोटिक फ्लड से हम लोग आसानी से पता कर लेते थे कि वो बेबी कैसा है, मेल और फीमेल। तो इसका मिसयूज़ होने लगा। जनरली इसको बनाया गया था, या ये जो टेक्निक थी वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं बच्चे में जो उसको उसके पूरी होल लाइफ बर्थ के बाद फेस करनी पड़े, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें बनाई गई थी। तो एमनियोसिंटेसिस ये टर्म देखिए, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि बर्थ कंट्रोल कैसे करेंगे, पॉपुलेशन को ओवरकम कैसे करेंगे। तो इस चैप्टर में यही सारे पॉइंट्स हमें देखने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।